The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। कावड़ अपवित्र करने के मामले में गिरफ्तार युवक को छोड़ने का आरोप लगाते हुए मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस चौकी पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। ये वाहन पुलिस के थे। इन लोगों का आरोप था कि पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया है। साथ ही एसपी सिटी ने जिस वाहन से कांवड़ियों को वापस हरिद्वार जल लाने के लिए यहां से रवाना किया था, उन्हें आगे जाकर उतार दिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से दोनों ही आरोपों को गलत बताया गया। साथ ही कांवड़ियों से अपील की गई कि वह अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन और सरकार कांवड़ियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखे हुए है। दरअसल शनिवार सुबह मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में राजस्थान के जिला भरतपुर सीकरी का एक जत्था कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास शिविर में आराम कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान तीन युवकों ने कांवड़ को अपवित्र कर दिया, जिस पर वहां बवाल खड़ा हो गया। बाद में पुलिस की भारी मौजूदगी में भाजपा MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता नीरज मित्तल और निरंकार सिंह ने कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया। एसपी सिटी ने अपने वाहन में उन कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद अफवाह फैल गई कि पकड़े गए युवक को छोड़ दिया गया है। इस पर कांवड़ियों के जत्थे ने चौकी पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर डाली। यहां यह भी प्रचारित कर दिया गया कि पुलिस के एक अफसर की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए पूरा घटनाक्रम। और कोई उनको टोकने वाला नहीं। बताओ कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। निरंकार सिंह, देखिए जो सुबह भी हादसा हुआ था वो हमारे सामने, वो नाइतफाकी से या जैसे भी था, वो एक बवाल को उसे मतलब प्रशासन ने सहयोग करके, हम सब लोगों ने सहयोग करके उसे शांत कर लिया था। मीडिया भी था, मीडिया ने भी सहयोग करा। लेकिन अब ना समझी कुछ लोग या कुछ लोग साजिश के तहत हैं या इस चीज़ को शांत नहीं होने दे, किसी ने इन्हें वो गुमराह कर दिया कि एसपी सिटी साहब की गाड़ी में वो बैठ के गया था और वो छोड़ दिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो कंकरगढ़े थाने बंद है, उस पर मुकदमा कायम हो गया। और ना समझी में ये जो करा है, ये ना समझ लोग हैं, इनका ना इन्हें घटना से पता, ना इन्हें दुर्घटना से पता। शीशे तोड़ फोड़ करें जो भी करेंगे, हाँ शायद मे भी, मुझे क्लियर नहीं है कि वो किसकी है, पुलिस अधिकारी किसी की कि है किसकी ये नहीं पता, लेकिन पुलिस अधिकारी की गाड़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।